प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर उपस्थित हैं। समांतर श्रेणी के 5.3 प्रश्नावली के कुछ अन्य और सवाल लेकर। पूर्व में हम 5.3 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न करा चुके हैं। आज हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तब हम इसके लिए, जब अगर हमें अंतिम पद दिया हुआ होता तो सूत्र हमारा एक अलग बन जाता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता, योग का योग s इज इक्वल टू होता n बटा 2 और a प्लस l। यहां l अंतिम पद है, अंतिम पद है, तो इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूले में। देखिए 400 है, लिख देंगे 400 इज इक्वल टू n की वैल्यू 45, अंतिम पद 45 है तो यहां लिख देंगे, तो n हम निकाल लेंगे कितने पद आएंगे, n बटा 2 और a की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद 5 है, प्लस L का मान कितना 45। क्या होगा 400 इज इक्वल टू एन बटा 2 और ये हो गया गुणा 50, या n बराबर आपका आ गया 400 गुणा 2 बटा 50। 50 से काट दिया हमने 8 बार, तो n कितना हो गया 16। पद हमारे हो गए 16। पदों की संख्या कितनी हो गई, यहां लिख देंगे पदों की संख्या बराबर 16। एक आंसर तो आपका यह आ गया। अच्छा, दूसरा सर्वांतर निकालना, तो सूत्र लगा दें। कौन सा पद है ये, 45 पद है, 45 जो है अंतिम पद है, अंतिम पद कितना 16 पद है इसमें, तो 16वां पद हुआ ये, तो यहां लिख देंगे 16वां पद बराबर कितना हमारा, लिख दें 45। अब 16 पद का सूत्र लगाने, यहां पर क्या लगाएंगे, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू हमारा 5 है, 5 प्लस यहां ऊपर से 15 डी लिख देंगे इसको, 15 डी इज इक्वल टू 45, या 15D इज इक्वल टू हो गया 45 माइनस 5, या D बराबर हो गया 40/15, या D बराबर हो गया 5 × 15 = 40, तो 8/3, तो D का मान कितना आ गया इसमें 8/3, ये दोनों मान हमारे आ गए। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रश्नावली में अगला सवाल है, सातवां सवाल हम करते हैं, इसके बीच में छठा सवाल है वो स्वयं करेंगे। देखिए, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद जो है वो 149 है। तो हम 22वां पद लिख दें, 22वां पद, इसमें हमें ए निकालना पड़ेगा पहले। मान लें माना प्रथम पद बराबर ए, तो लिखेंगे 22वां पद इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 149। अब हम 22वां पद का सूत्र लगा दें, तो यहां लिखेंगे ए प्लस 22 - 1 इंटू डी का मान कितना है 7 इज इक्वल टू 149। तो ए प्लस यहां हो गया 21 गुणा 7 बराबर 149, तो ए प्लस 7 × 7 = 14, ये हो गया 149, तो ए बराबर आपका आ गया 149 - 147, तो ए बराबर आपका जाएगा, घटा दीजिए इसमें से 2, तो प्रथम पद आपका 2 आ गया। अब हमें निकालना दूसरे, और क्या निकालना, योग निकालना, 22 पदों का योग, तो s बराबर
एन बटा दो, ए का मान कितना है, ए लिख दें अभी तो, फिर लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी, यह टू आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, 22/2, 2 × 2 प्लस एन का मान कितना है, 22 − 1 और डी 7, ये हो गया 11 बार कट गया, ये 11, ये 4 हो गया, प्लस ये हो गया 21 × 7, तो ये हो गया 11, 4 + 7 = 7, 7 × 2 = 14, ये हो गया 11 × 7 = 11, 5 = 151, और ये हो जाएगा आपका 11 × 11, 11 × 5 = 55, और 1 = 56, 11 × 11 = 16, 1661। तो इस तरीके से एस हमारा 1661 आ गया। तो ये हम इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। आगे भी और सवाल हैं, वो स्वयं करें, कुछ कुछ हम कराएंगे भी आगे। तो आज के पीरियड में बस इतना ही।